बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत लाहौर ग्रुप बेल्डी सिटी एक्सपर्ट से। व्यूअर्स आपकी खिदमत में आज हाज़र हुए हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, और ये यकीनन ऐसी अपडेट है जिसकी वजह से पूरी मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट आएगा। और क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं चनाब रोड की, चनाब रोड के ऊपर इकबाल सेक्टर और जिना सेक्टर के बिटवीन में जो कनाल की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जा रहा है व्यूअर्स, और उस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको आगाह करेंगे। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी जो लोकेशन है इस वक्त मैं कनाल रोड के ऊपर हूं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा चुका है, और LDA ने ये जो काम है वो पेकॉन इंटरनेशनल कंपनी है जिसका साइट ऑफिस भी लाहौर में है, और लाहौर के अंदर पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं रोड डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज वगैरह का, और दूसरे काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। वेल नोन ये पेकॉन इंटरनेशनल कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, और बाकायदा तौर पे इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। व्यूअर्स मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये कनाल रोड है, और ये कनाल रोड के ऊपर से ब्रिज बन के ये सीधा जा के कनेक्ट होगा चनाब रोड के वाया रिंग रोड और फिरोजपुर रोड को। हमारी जो बात हुई है उनके जो यहाँ पे सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं जिनकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है, वो वैसे तो इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनका जो टारगेट है ये 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा, फुली फंक्शनल कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इससे रिलेटेड जो ब्लॉक्स हैं जैसे जिना सेक्टर के सारे जिना सेक्टर के ऊपर इसका इम्पेक्ट आएगा। सी ब्लॉक टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है। हम समझते हैं कि जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा, एक इस टाइम फ्रेम के अंदर सबसे बड़ी जो होप है ये है कि LDA सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम ग्रेजुअली होता जा रहा है, और यही वो टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर तो आप प्लॉट होल्डर हैं, आपको प्लॉट अपना रिटेन रखना चाहिए, और अगर आप बाय करना चाह रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन, इवन के एंड यूज़र हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त प्राइजेज़ जो हैं बिल्कुल मुनासिब आई हुई हैं, और आने वाले 5-7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर जैसे LDA की कमिटमेंट भी है इंशाल्लाह इसमें पोजेशन आनी है, जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो जाएगा देन इसके अंदर हम प्राइजेज़ का जो इंक्रीज़ है 40 से 50% तक देख रहे हैं। तो व्यूअर्स ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी, और बाकायदा तौर पे ये देख लें आप डेवलपमेंट का काम, यहाँ पे क्रेन वगैरह लगी हुई है, उनके जो इंजीनियर वगैरह हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरी मशीनरी के साथ यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, दोनों साइड पे काम शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर ब्रिज बना दिया जाएगा, जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर बाकायदा तौर पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जो मेन कनेक्शन है वो चनाब रोड के थ्रू है। आगे जो चनाब रोड का मामला है उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द ही आगाह करेंगे कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो कब दोबारा से शुरू हो रही है, और कब तक उसकी लैंड को मुकम्मल तौर पे एक्वायर करके जो हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है उसके हवाले कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें, और व्यूअर्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आपको आगाह करते रहें। बहुत शुक्रिया।